बारिश एक नंबर, नकली पैसे एक नंबर, उसे एक नंबर, कच्ची चाउमीन एक नंबर। सिखों के लिए ना ये ड्रायर बहुत ज़रूरी है, ये बताऊंगा अभी क्यों, जब मैं इससे अपनी बियर्ड सेट करूंगा। अभी मैं अपने फेस इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं ऊबड़ खाबड़ हुआ पड़ा हूँ शक्ल से, देख के आप डर सकते हैं क्योंकि मैंने परना नहीं बांधा हुआ इसलिए। तो अभी इससे हम अपनी दाढ़ी सेट कर लें, उसके बाद हम आपको अपना फेस दिखाएंगे। मौसम तो दिखा ही चुके हैं और एक नंबर दिखा ही चुके हैं। दाढ़ी बांध के अब मैं लग रहा हूँ थोड़ा साफ सुथरा, अच्छा लग रहा हूँ। और अब देख रहे हो कि हम खा रहे हैं चाउमीन, चाउमीन के साथ साथ और बन रहे हैं चाउमीन वाले समोसे, चाउमीन वाली वो क्या कहते हैं उसको, स्प्रिंग रोल। बाहर मिलते हैं बहुत, बाहर तो मिल नहीं रहे बहुत, मिलते हैं महंगे मिलते होंगे, मगर हमारे घर में जो बनते हैं ना भाई साहब अल्टीमेट बनते हैं। मौसम बहुत प्यारा है तो ये चाय और पकौड़े खाने का, मगर हम थोड़े यूनिक हैं, हमने चाउमीन स्प्रिंग रोल समोसे चाय कोल्ड ड्रिंक सब कुछ खाया। एक्सरसाइज नहीं करता तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी हो गई है वीक, तो इसीलिए फिर हमने आज थोड़ा बहुत प्रोग्राम बनाया है बाहर जाके पार्क में थोड़ी सी जिमिंग करने का। तो खाने के बाद आपसे मिलेंगे। मेरे पास ये कार्ड आए हैं और इन सबके पास अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं, इन्होंने मुझे बेकार कार्ड दिए हैं। दीजो दिखाना कौन से कार्ड आपके पास एक बारी, वैसे कौन से कलर क्या दिखाना, आप दिखाना दक्षी, आपके जूम करके देख लिया मैंने, तो मैं फेंकने लगा हूँ अब ये वाला। मैडम को थोड़ा एक्सरसाइज कराने के लिए, सॉरी मैं खुद एक्सरसाइज करने के लिए तंबल लेके जा रहा हूँ। चलो घर के सामने पार्क हो और मजा आ जाए, या गीला बहुत है यहाँ तो बैठेंगे कहाँ पर, बैठने की जगह नहीं है सिर्फ आप घूम। चल तो घूमते कौन सा टंबल करूँगा, चलो कैमरा होना तो इसकी बोलती बंद होती, कैमरे के पीछे इतना बोलता है भगवान कसम मुझे बोलने का मौका नहीं देते, इतना स्कूटर स्टार्ट हो गया। तो मैं तो और क्या, मैं तो यहाँ आया था कि मैं चलो छोटी सी क्लिप बना ले मस्ती मौज कर लें, क्योंकि कल बर्थडे था तो आज भी तैयारी हो रही है इनकी, अंदर सामान बनने हैं रेडी है, देखा होगा आपने क्या क्या बन रहा है। तो मैं सोचा था कि एक दो राउंड लगा लें, मास्क पहन के राउंड नहीं लगाया था, मतलब सांस लेने में दिक्कत रहती है। और दूसरी बात, जिस जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी ना, इससे पहली वाली दो पहली वाली जो कोरोना की सेवा चल रही है दोनों मसा गुरुद्वारे में, तो प्लीज़ आके वो देखो, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी यार, बिकॉज बहुत सारे बंदे ना गलत चीज़ कर रहे हैं इसके अंदर भी, सेवा के नाम पे धंधा चला रहे हैं, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये मांग रहे हैं सिलेंडर भरवाने के, मगर आपने ये काम नहीं करना। मेरे सारे दोस्तों से यही बेनती है, प्लीज़ यार इस टाइम पर ना लोगों की सेवा करो, क्योंकि ये पुण्य कमाने का टाइम है, पैसा कमाने का टाइम सारी उम्र पड़ी है। होए 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 होए, हवा देख रहे हो, हवा तो मैं उड़ता जाऊँगा, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। कैमरे का भी क्यों नहीं बोलते मुझे ये बताओ, बोलते क्यों नहीं बोलते हैं, इतनी रिस्पेक्ट मैं समझ नहीं आता, हमेशा कैमरा ऑन की बात करूंगा इनसे, इतनी प्यार से मतलब मुँह से रस गिर रहा है, चुंडी मार दी तो ठीक कर दो भाई साहब, मैं देख के रहा कैमरे में इतनी पावर होती है यार, ए अल्लाह ए भाई वो क्या शक्ति दी है तूने कैमरे को, कैमरे के हाथ इतने प्यार से, तो मैं लाते मुक्के खा रहा था कमरे में। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मत बोलो। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जो मेन बात करनी थी वो तो मैंने आपसे करी नहीं, एक्चुअली हुआ क्या है, खुशी का टाइम आने वाला है, जो एक यूट्यूबर को टास्क मिलता है ना, आपको एक साल का टास्क मिलता है, एक साल में आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आर्स आपको पूरे करने होते हैं, जिसमें से मेरे दोनों क्राइटेरिया पूरे हो चुके हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर वाले हैं वो तो मेरे 15 दिन में ही पूरे हो गए थे, मगर जो मेरा वॉच टाइम था उसके अंदर खाली कंप्लीट करने के लिए मेरे रह गए हैं 68 आर्स। महाराज की कृपा से मेरे पूरे साल की मेहनत रंग लाएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब वो पूरा मोनेटाइज हो जाएगा, वो जब होगा मैं उसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा,
मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, मेरे पूरे साल की मेहनत आपने इतना सपोर्ट किया, इतना अच्छा लगता है कि यार हाँ यार एक लेवल अप हो जाता है। अगर आपके चैनल पे एड्स चल जाती है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तो आपका एक रैंक ऊपर आ जाता है कि हाँ यार लड़के ने मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। आपके सामने है यार कि एक बंदा क्या क्या करने के लिए आपके साथ यूट्यूब से कनेक्ट होता है, आपके साथ वीडियो लेके आता है, वही जो मैं अभी कर रहा हूँ आपसे। तो सीरियसली यार बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि कितने आर्ट्स रह गए हैं 4000 में से, मेरे आगे 3939 हो गए हैं। मतलब जब तक ये वीडियो डालूंगा ना मैं, तब तक मेरा मोनेटाइज हो जाएगा पूरा चैनल, आई होप जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, एक साल का टाइम मिलता है। मगर महाराज की कृपा से आपने इतना सपोर्ट किया है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरी यूट्यूब फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया कि यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो आपको अंदर जाके एक बार दिखाता हूँ कि वो कितना टाइम रह गया, फिर अंदर खाने पीने की थोड़ी बहुत बातें बूते करते करते वीडियो कर देंगे यार, ठीक है ना। प्राइज मिला है कि चांपे मेरी फेवरेट है, हम लोग तो कुछ भी नहीं होंगे। अल्टीमेट ये हनी वाली है, एक टेस्ट कर ले। लिटरली मतलब ऐसी चांप, बहुत टेस्टी है, छोड़ दो। थैंक यू बेटे, बस थैंक यू। मीठापन नहीं आ रहा, वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये चांप है और ये मैं हूँ और हम चांपे खा रहे हैं। चाची सीरियसली बहुत टेस्टी है, मतलब जबरदस्त यार, चाचा जी के हाथ में जादू है, कायनात पापा ने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, ये तो पूछना पड़ेगा भाई। अभी देखो क्या बनाया, देहरादून के शेफ है ये देखो भाई, ये देखो मतलब लिटरली इतनी जबरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है ना, मजा आ गया। उठ के कैसा है पहले बताओ भाई, गजब गजब ना। ये देखो मैंने अभी एक खाया, ये एक खाया अभी, एक बाइट तो लो, बताना कैसा है। बहुत गर्मी है मेरा दिन, ये बत्ती गुल हो गए, भाई कुश्ती कर रहे हैं। मगर सीरियसली खाने के साथ कोई मजाक नहीं, मगर अल्टीमेट है, कायनात पापा के पैर धोके पियो, रसना रसना निकलेगा वहाँ से। मेरा ऐसी जब कैसा है, बहुत यम्मी, बहुत है? चलते हैं। बड़े भाई क्या है हिसाब का भाई, वर्ल्ड बेस्ट। मगर एक एक चीज का टेस्ट आ रहा है, एक एक चीज का टेस्ट आ रहा है यार, क्या बनाया है। हम जा रहे हैं केक लेने, क्योंकि भाई नाराज हो गया मैडम, इसलिए नाराजगी दूर करने के लिए, खुश करने के लिए हम जाएंगे सामान लेने। काट लूंगा तेरे को, ठीक है लगते काट लूंगा। देखा यार ये बढ़िया यार, चुप हो गया आपके कहने पे, तो यार उससे मतलब लग रहा है बड़ा कुत्ता आ गया। इसको जो ना मैं काट लूंगा तेरे जख्म लगेंगे, पादे कहाँ से हो साथ ना चले। हाँ भाई साहब वो शॉप बंद थी, दूसरी जगह आए हैं, यहाँ भी बंद है। केक वाला आइसक्रीम वाला केक पूछ रहे थे, वो भी नहीं था उसके पास। ज्ञानी से पूछ रहे हैं कि आइसक्रीम केक है क्या। चलो एक बार भी शॉप में वहाँ पूछते हैं, ज्ञानी चक चवानी 12 बच्चे एक जनानी, चलो पूछते हैं। मैं यहाँ पर आके मिला है, आइसक्रीम मिल गया, यहाँ दिखाता हूँ आइसक्रीम मिल गई। और अंकल ने मेरे क्या बोला कि आधे रेट में, हमने क्या सोचा सारी ले लेंगे हम, इसके बाद दिखाओ था 129, हमें लगा इसका आधा रेट होगा, तो कह नहीं आधे रेट की ऑलरेडी लगाई हुई है ये 129 ही रेट है, पहले महंगी थी तो दे दो एक ओरियो दे दो एक। भाई घर पहुंच गया और हमें पड़ेगी अब गाली, क्योंकि हमें केक लाने के लिए बोला था, हम लेके आ गए हैं आइसक्रीम। हाँ बड़े भाई ये क्या था यार, अब सुनना आप चित्तर प्यार सब मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ, सब मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम्हें जियो हजारों साल साल के दिनों 50,000